हेलो गाइस, वेलकम टू आयलपुर। आज आपके लिए कहीं ऐसा वेबसाइट जहाँ से आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। काम है ऑनलाइन टाइपिंग का। अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर है, इनमें से कोई भी है आपके पास, तो ये काम करके पैसे कमा सकते हो। खास बात ये गाइस, इसे कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखिए 10th पास हो, 12th पास हो, इसमें डिग्री वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके टाइपिंग स्किल्स आते हो, एज भी कोई लिमिट नहीं है। देखो आप 12 साल के, 15 साल के, इसमें कोई देखता नहीं है कितने साल के हो। बस अगर आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हो गाइस, तो ये काम करके पैसे कमा सकते हो। आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, फुल टाइम भी काम कर सकते हो, पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे काम करके पैसे कमा सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कैसे टाइपिंग करना है और कैसे अर्निंग करना है। उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा, अप्लाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो शायद आपको काम ना मिले। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि आपको काम किस तरीके का मिलेगा। देखो, एक तो आपको वर्ड फाइल मिल सकता है जिसमें से आपको देखना और यहाँ से देख करके टाइपिंग करना है, या फिर आपको PDF फाइल भी मिल सकता है, उसमें से देख करके आप टाइपिंग कर सकते हो और टाइपिंग करके अपने क्लाइंट को सबमिट कर सकते हो और ऐसे करके अर्निंग कर सकते हो। या फिर गाइज आप देखो, डाटा एंट्री का भी काम मिल सकता है। जैसे यहाँ पे कोई मिस्टेक है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना और यहाँ से सही कर देना है और सही करके दे सकते हो। तो जो काम आपको आता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या तो डाटा एंट्री का काम कर सकते हो या फिर कॉपी टाइपिंग कर सकते हो। कॉपी टाइपिंग से मतलब है आपको कोई फाइल दी जाएगी, आपको उसको देख करके टाइपिंग करना है, तो ये काम भी कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कौन से साइट से आपको काम करना है और कैसे सबमिट करना। तो सबसे पहले गाइस देखो, आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आओगे और सर्च बार में लिखना है ट्रू लेंसर। ट्रू लेंसर लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो पहला जो लिंक आएगा ट्रू लेंसर का, truelancer.com, ये जो साइट है जेन्युइन साइट है। यहाँ पे आप रेटिंग चेक कर सकते हो, 4.5 की रेटिंग है और यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप भी यहाँ से काम करके पैसे कमा सकते हो और 1 रुपये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 1 रुपये भी आपको डिपॉजिट नहीं देना है, कोई भी फीस वगैरह नहीं देना, फ्री में काम करके पैसे कमा पाओगे। तो यहाँ से देखो फ्रीलेंसिंग का काम है, यहाँ से आप काम पकड़ो और पैसे कमाओ। तो देख लेते कैसे काम करना है और कैसे अर्निंग करना है। तो देखो यहाँ पे आते हो गाइस, यहाँ पे आने बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे फाइंड जॉब्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि हायर और वर्क। तो आपको तो काम चाहिए, आपको काम करना है, उससे पहले आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा एंट्री, यहाँ पे लिख के मैं सर्च करता हूँ। देखिए डाटा एंट्री लिख के सर्च करेंगे तो डाटा एंट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। देखो अलग अलग टाइप का काम है। पहला काम है जैसा आप देख सकते हो, पूरा काम करने के लिए आपको $350 मिलेंगे। इसके लिए 112 लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रपोजल भेज चुके हैं, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इनका पूरा काम करो गाइस, तो ये $25 दे रहे हैं। तो ऐसे नीचे आ जाओगे तो 100 यहाँ पे $65 मिल रहा है, यहाँ पे $7 मिल रहा है, यहाँ पे कोई $3 दे रहा है 1 घंटे, यानी 210 रुपये पर आवर का हिसाब से। और कोई यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे $200 दे रहा है। तो जो काम आप जानते हो गाइस, तो यहाँ से आप काम पकड़ सकते हो। डाटा एंट्री का PDF टू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड टू PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कॉपी टाइपिंग का भी काम पकड़ के यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं अर्निंग कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे गाइस और यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर दोगे या फिर लॉगिन कर सकते हो। तो साइनअप पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, उसके बाद अपना कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है और एक कन्फर्म पासवर्ड, और पासवर्ड डालकर यहाँ पे क्रिएट कर लेना है अकाउंट। तो यहाँ पे सारे डिटेल भर देने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल चला जाएगा, उस पे जाकर क्लिक करके आपको अपने ईमेल को वेरीफाई कराना है। तो चलिए ईमेल को क्लिक करके वेरीफाई करा लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई एंड एक्टिवेट अकाउंट ऐसा ईमेल आ रखा था, इस वेब पे आप क्लिक करोगे तो जो आपका ईमेल एड्रेस है वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा आएगा अब आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क। तो देखो आई एम इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल कर दोगे, कंपनी तो हो नहीं, या फिर देखो यहाँ पे ये नीचे वाला नहीं भरना है, आपको काम चाहिए तो आई पहले वाले आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क वाले में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करो गाइज यहाँ पे आपको इंटर मोबाइल नंबर, यानी अपना मोबाइल नंबर डालने का बोल रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर डालोगे और OTP आएगा, OTP से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लेना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर दो गाइज, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपका फ़ोन है, वो सारा वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ कैरे प्रोफाइल पिक्चर चूज करने का, तो यहाँ पे चेंज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे और एक अच्छा सा अपना फोटो लगा देना है जो अपने फेस का। उसके बाद देखो यहाँ पे नाम है, नाम दिखा देगा, जेंडर यहाँ पे मेल रखना है, और पर आवर कितने रुपए लेना चाहते हो। जैसे मान लो हर एक घंटे का मैं 200 रुपये चार्ज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 200 लिख सकते हो आप, मिनिमम 100 रुपये भी रख सकते हो, 300, 400, 500 कितना चाहो उतना रख सकते हो। तो आप बिगिनर हो तो कम से कम रखना ताकि आपको काम जल्दी से मिले। उसके बाद यहाँ पे वर्क अवेलेबिलिटी कितने घंटे काम कर सकते हो, फुल टाइम पे ही रहने देना ताकि आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा प्रोफेशनल टाइटल, तो प्रोफेशनल टाइटल में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डाटा एंट्री एक्सपर्ट यहाँ पे लिख दोगे तो गाइस यहाँ पे देखो डाटा एंट्री एक्सपर्ट लिख देना है, या फिर जो भी आपको जी अप्लाई करो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपको या तो इंटरमीडिएट लिखना है या एडवांस लिखना है, उससे कम का नहीं लिखना है, तो यहाँ पे एडवांस पे लिख देना है। अब लिख रहा है कि अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे अपने बारे में लिख देना, आई एम डाटा एंट्री एक्सपर्ट हैविंग मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स 5 ईयर्स, ऐसा कुछ लिख दोगे अच्छे से बना करके सोच समझ के। यहाँ से अपने बारे में प्रोफाइल लिख देना। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स पूछ रहे थे कौन सा स्किल्स है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डाटा एंट्री लिखोगे तो अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो PDF लिखोगे तो PDF का एडोब PDF कन्वर्जन भी आ जाएगा, और यहाँ पे टाइपिंग लिखोगे तो देखो यहाँ पे टाइपिंग लिखते हो तो कॉपी टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारा आपको सेलेक्ट कर लेना है, 5-6 यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद गाइस यहाँ से अपना क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस जैसे आप सारे इन्फॉर्मेशन भर देते हो तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पे 3 लाइंस पे राइट साइड में इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा है फाइंड जॉब्स, तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे सर्च बार में लिखना है, जैसे आपका जो भी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको सर्च करना है। जैसे डाटा एंट्री का काम चाहिए यहाँ पे, तो डाटा एंट्री जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर डाटा एंट्री लिख के भी सर्च कर सकते हो। जैसे सर्च करो गाइस तो देखो यहाँ पे इतने सारे आपको काम मिल जाते हैं, $217 मिल रहा है आपको हर एक घंटे काम करने का। तो आपको देखना है कि आपका जो आपने स्किल चूज किया उससे मैच करने वाला जो भी प्रपोजल है उस पर आपको व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो देखो इतने सारे प्रपोजल हैं, आपको जो अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको मैचिंग प्रपोजल होना चाहिए। तो गाइस देखो इतने सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे मान लो इस पर आप क्लिक करते हो 104 प्रपोजल जा रखे हैं, तो कई में आपको ये देखने को मिला है गाइस देखो प्रोजेक्ट हैज़ रीच्ड इट्स लिमिट प्रपोजल लिमिट, यानी कि ये बता रहा है गाइस देखो ऑलरेडी बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रपोजल भेज रखा है, यानी आप यहाँ पे आप नहीं भेज सकते हो। तो आपको वो वाला ढूंढना है गाइस जिस पे कम लोगों ने प्रपोजल भेजा हो, हर रोज़ नए नए जॉब्स आते रहते। तो आपको ध्यान से देखो नेक्स्ट पेज पे जा जा के यहाँ पे सर्च करना, जैसे अमेजोन वाला है मार्केट प्लेस वाला, यहाँ पे 66 प्रपोजल, इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे लिखा जाएगा सेंड प्रपोजल, तो इस वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे और यहाँ से प्रपोजल भेज पाओगे, तो देखो यहाँ पर 200 रुपये मिल रहा है पर हर घंटे का। अब इसको देखो प्रोजेक्ट का डिटेल है, उसको अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या उनको चाहिए, अगर आप वो कर सकते हो तभी प्रपोजल भेजना है। तो यहाँ पे सेंड प्रपोजल पे क्लिक करना है और देखो प्रपोजल का डिटेल लिखना है कि हाय आई एम अ डाटा एंट्री एक्सपर्ट, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, आई कैन डू दिस इन ऑन गिवन टाइम, ऐसा लिख दोगे अच्छे से बना के लिख दोगे गाइज। उसके बाद आवरली रेट यहाँ पे आपको चूज कर लेना, जैसे आवर का रेट क्या है, आप यहाँ पे कम से कम 200 रुपये लेना चाहते हो और एक्सपेक्टेड आवर 4 घंटे काम करना चाहते हो। तो गाइज यहाँ पे देखो प्रपोजल डिटेल वगैरह सारा कुछ भर दोगे, यहाँ पे आवरली रेट भर दोगे, उसके बाद कितने घंटे काम करना चाहते हो वो भर दोगे, और उसके बाद देखो यहाँ पे गाइज यहाँ पे डिपॉजिट रिक्वायर्ड, यानी वो डिपॉजिट देंगे, आपको नहीं देना है, जो कंपनी आपसे काम करवाना चाहती है वो डिपॉजिट देगी, इस जो यहाँ पे ट्रू लेंसर के पास डिपॉजिट कर देगी। जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा तो ट्रू लेंसर वो आपको पैसे दे देगा। तो गाइज यहाँ पे 320 रुपये मिनिमम बता रहा है कि 320 रुपये आप डिपॉजिट रखवाओगे उनसे। तो इतना कर लेने के बाद गाइज देखो यहाँ पे नोटिफाई करना तो कर सकते हो, उसके बाद सेंड प्रपोजल पर क्लिक करोगे तो गाइज सेंड प्रपोजल पर क्लिक करने बाद देख सकते हो कि आपका यहाँ से प्रपोजल चला गया है, यू हैव ऑलरेडी सेंट अ प्रपोजल फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऐसा लिखा जाए कि आपका प्रपोजल जा चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे आपने प्रपोजल भेज दिया और आपके साथ बहुत से लोगों ने भी इस काम के लिए प्रपोजल भेजा है, तो अब जिसने भी ये काम दिया है गाइज उसके पास ही सारा जाएगा, वो सभी प्रपोजल को देखेगा, आपका भी और दूसरों का भी, और उसको जिसका भी प्रपोजल अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको काम दे देगा गाइज। और जैसे ही काम देगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका यहाँ से काम मिल चुका है गाइज, और यहाँ से जैसे काम मिलता है तो आप काम करके दोगे तो यहाँ से अर्निंग कर पाओगे। तो सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे कि आप
देखो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करते हो डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे गाइस, तो देखो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है, आपका टोटल प्रोजेक्ट कितना है, अब देखो ऑन गोइंग वर्क्स कितना है, सारा कुछ यहाँ से दिखा देगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो आकर कि आपको काम मिला है या नहीं मिला है। जैसे अगर आप देख सकते हो अगर काम मिला है गाइस तो काम करके आप सबमिट करोगे उसको, सबमिट करने के बाद आपको अर्निंग हो जाएगी गाइस। देखो अर्निंग को कैसे विड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके पेमेंट्स पर क्लिक करोगे। जैसे पेमेंट पे क्लिक करते हो देखो यहाँ पे आपका वॉलेट दिखा दे कितने रुपए हैं आपके वॉलेट में, और यहाँ से गाइस देखो यहाँ से अपना लीगल नेम डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में है, पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री वगैरह डाल के एड्रेस वगैरह डाल के सेव कर दोगे। तो गाइस जैसे अपने बैंक अकाउंट में भी पैसे ले सकते हो, पेपल अकाउंट में भी ले सकते हो और यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद है, प्लीज़।